नमस्कार, सीनियर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे छोले, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, बिल्कुल काले छोले बनेंगे और नए तरीके से बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं छोले। मैंने एक डोंगा 250 ग्राम के लगभग ये छोले भिगोए हैं, 4 से 5 घंटे भिगो रखे थे। अब हम उसको उबालेंगे। एक डालेंगे छोटा सा दालचीनी, एक तेजपात पत्ता, 2 लौंग, एक इलायची बड़ा वाला, और कुछ हम डालेंगे आंवले के टुकड़े। तो चलिए हम इसे उबालने के लिए रखते हैं। कर ले लिया है इसमें, सारे चीज़ डाल देंगे। आप जितना अपनी फैमिली में बनाना उतना आप ले सकते हैं। अब हम इसे डाल देंगे तेज़पत्ता। ये सारे मसाले हम ऐसे ही डाल देंगे। इलायची को सिर्फ इसको फोड़ के या तोड़ के डाल सकते हैं आप, जिसमें इसका रस आराम से चला जाए। अब ये जो हमने टुकड़े लिए थे आंवले के, वो डाल देंगे। अब जिस हम डोंगे से छोले लिए थे, उसी डोंगे से हम 1.5 डोंगा डालेंगे। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है आपको। भिगोए हुए छोले थे ये, तो हम पानी ज़्यादा डाल देंगे तो फिर पानी पानी सा हो जाएगा। अगर कम ज़्यादा होगा तो बाद में हम पानी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको उबलने के लिए रखते हैं गैस पे। मीडियम फ्लेम पे रख देंगे हम इसको उबलने के लिए। मैंने इसमें मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 सीटी लगा दिया था। अब देखिए कैसे, देखते हैं चेक करके। ये देखिए बिल्कुल उबल गया ना, अच्छे से उबल गया। ये इसमें मैं नमक डालना भूल गई थी। आप उबालते समय ही 1 चम्मच नमक डाल दीजिए इसमें, या 1/2 चम्मच, जितना आपका मटेरियल हो उसी हिसाब से। और जो हमने इसमें जो ये पत्ते वगैरह लकड़ी वगैरह डाली थी, इसे हम निकाल के साइड कर देंगे अब, ताकि ये कई बार होता है ना कि खाते समय मुंह के अंदर आता है तो अच्छा नहीं लगता है। हमने इसीलिए इसको साथ में उबालते समय डाल दिया, ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर पूरे अच्छे से हो जाए। और सिर्फ आंवला इसमें छोड़ देंगे, क्योंकि आंवला तो बहुत प्रोटीन वाली चीज़ होती है। प्रोटीन तो होती है, पता नहीं। आंवला बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो देखिए हमने आंवले को ही सिर्फ इसमें छोड़ा है, और बाकी सारा ही हमने निकाल दिया, वेस्ट जितना भी सामान था इसको हम साइड करेंगे। अब जो हमारे डालने की सामग्री है, हम उसमें डालेंगे फ्रेश कटा हुआ पालक। पालक ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 5 से 6 पत्ती डालनी है। इसको हम पहले बॉयल करेंगे। अभी हम बॉयल करने के लिए इसको रखेंगे, हल्का सा उबल जाएगा, मुलायम हो जाएगा, फिर इसको मिक्सी में पीसेंगे। एक टमाटर लेंगे हम, कुछ लहसुन की कलियां हैं 5 से 6, धनिया कटी हुई, 2 कटे हुए बड़े प्याज, और अदरक, और ये 3 से 4 हरी मिर्ची। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। पहले तो हम इस पालक को उबालेंगे। मसाले जो हमारे पड़ेंगे वो है 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे ये अनारदाना पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे हम छोला मसाला। तो देखिए ये हमारा सारे मसाले हमने आपको बता दिए कैसे डालने हैं इसमें। तो हमने ये सारे मसाले इकट्ठे कर लिए हैं। अब जो ये टमाटर और लहसुन है, इसका हम मिक्सी में पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए पहले हम पालक को उबलने के लिए रखते हैं। हम इसको उबालने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, और आप पालक में पत्तियों का ही यूज़ करें, डंडियों का यूज़ नहीं करना है आपको। तो चलिए हम इसको उबालते हैं। देखिए हमने टमाटर और लहसुन को पीस लिया इसके अंदर, अब हम इसको सेट कर देंगे। और हमारा ये भी हो गया है, देखिए उबल गया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, तब इसको भी हम मिक्सी जार में पीसेंगे। तो देखिए हमने गैस पर कढ़ाई रख लिया है, मीडियम पे ही रखेंगे अभी हम, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। हमने सरसों का तेल का यूज़ किया है, आप चाहे तो रिफाइंड का भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, फटका लेंगे ब्राउन होने तक। अब इसमें हम डालेंगे जो बड़ा दो प्याज कटा हुआ था, अब हम इसको भी अच्छे से ब्राउन हो जाए
तब तक हम इसको भूनेंगे। देखिए गैस, आप क्या करते हैं कि वीडियो को आप स्किप करके देखते हैं ना, तो आपको प्रॉपर नहीं पता चलता है इसमें क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है, तो आप स्किप करके मत देखिए। अगर आपको बनाना है तो ये छोला, और आप कंटिन्यूस देखेंगे तभी आपको पता चलेगा ये छोला किस तरीके से बनाया गया है, जो ये हलवाई जैसा बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल हलवाई जैसा काला और टेस्टी छोला बनेगा। आप एक बार बनाइएगा इसको ज़रूर। और हम बिना चाय पत्ती का ही इसको देखिएगा कैसे काला ये बनेगा। तो देखिए ये बिल्कुल ब्राउन हो गया है, ब्राउन हो गया। अब इसमें हम जितने भी मसाले लिए थे, आपको दिखाया था मैंने, अब ये सारे मसाले इसके अंदर हम डाल देंगे। अब अच्छे से इस मसाले को हम भूनने देंगे ताकि इसका भी जो कलर है ना भूनने पे निकल जाएगा। बिल्कुल धीमे आंच पे ही भूनिएगा इसको, नहीं तो मसाले सारे आपके जल जाएंगे। जो पालक लिया था उसको हमने पीस लिया, अब हम उसको डालेंगे इसमें। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें से तेल ना निकल जाए, जो हमने तेल डाला था ना इसके अंदर तड़के में, वो तेल निकलने तक का हम, जब ये अच्छे से पक जाएगा तो उसमें से तेल छोड़ देगा। तो हम इसको अच्छे से चला के अच्छे से मीडियम कर लेंगे गैस, और ऐसे भून लेंगे अच्छे से। तो हम इसको थोड़ी देर ढक देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, थोड़ा सा मसाला पालक मिक्स हो जाए इसमें अच्छे से। तो देखिए चला के देखते हैं, बिल्कुल ये तेल छोड़ने लगा है, ठीक है आपको। जब हमने टमाटर और लहसुन का प्यूरी बनाया था वो अब डालेंगे इसके अंदर। मीडियम 1.5 चम्मच नमक डालेंगे हम इसमें। अगर आपने छोले में डाला हो तो आप कम ही डालिएगा। और 1/2 चम्मच डालेंगे हम काला नमक। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से इसको हम चलाएंगे। और हमने नमक इसीलिए डाला है कि अब तेल जो इसमें पड़ा है वो अच्छे से इसमें उभर के आ जाएगा। अब जो हमने मसाले में थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि हम ये हम पालक का ही पानी डाल देते हैं, पालक जो हमने मिक्सी में जार में डाला था। और इसको हम अच्छे से ढक देंगे, और ढक ढक के बीच में चलाते रहेंगे और देखते रहेंगे कि मसाला नीचे ना पकड़े और अच्छे से ये पक जाए। देखिए हम चला के देखते हैं कैसा बना है ये। तो देखिए तेल छोड़ दिया है, ये देखिए किनारे किनारे से देख रहे ना, तेल छोड़ दिया सारा। अब हम इसके जो तीखापन है ना उसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम ही डाला है इसमें चीनी, इसका तीखापन भी बैलेंस हो जाएगा और नमक भी बैलेंस में हो जाएगा इसका। अभी भुना नहीं है अच्छे से, अभी और अच्छे से भुनेगा, थोड़ा टाइम लगता है इस छोलों को बनाने में, लेकिन बनता बहुत टेस्टी है। आप इस तरीके से अगर किसी को बना के खिलाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसमें पालक का यूज़ किया है। चलिए हम फिर से इसको ढक देते हैं। देखिए हमारा एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो बिल्कुल निकल गया है इसके अंदर से, और ये हमारा मसाला भी भून के बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब इसमें हम छोले डालेंगे। तो देखिए हमारा ये मसाला भून गया है। अब इसमें जो हमने आंवला डाला था उसकी वजह से काले भी छोले हो गए ही, और फिर इसमें जो अन डाल सकते हैं, पर इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये बहुत अच्छे छोले बनते हैं। इस छोले को अब हमने अपने स्टिक से इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है, इसमें जो थोड़ा बहुत ग्रेवी और बनानी है तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे से दबा के इसको चने को फोड़ दीजिए। और देखिए हमने बिना खाने वाले सोडे के बिना ही इसको उबाला था, कितने अच्छे से उबल गया था ये। आप चाहें तो अगर आपका छोला ना उबले तो आप उसमें खाने वाला सोडा भी
दो स्पिंच डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं। वैसे आप बिना सोडे के भी आप इसको उबाल सकते हैं। अब इसको हम ढक देंगे। और आप जब भी छोला बनाएं तो तेज आंच पे ना बनाएं, जब भी बनाएं तो जब इसको पकाना है छोला डाल के, तो आप बिल्कुल मीडियम, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही धीरे धीरे पकने दें, तभी छोले का टेस्ट आता है। तो चलिए हम इसको पकने देते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा 10 से 15 मिनट ये टाइम लगा है इसको पकने में। अब इसको चला के देखते हैं। ये देखिए छोला बनके तैयार है। ये देखिए जितनी आपको ग्रेवी रखनी है आप उतना ग्रेवी रख सकते हैं खाने के लिए। ये नहीं कि मतलब ज़्यादा पानी है, या आप जिस चीज़ से खाना चाहते हैं, भटूरे से, चावल से, रोटी से, तो उसके हिसाब से आप इसमें ग्रेवी रख सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए कलर भी कितना अच्छा है इसका। अब इसको हम सर्व करेंगे, मगर इससे पहले हम गैस को बंद करेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने पे, बस सिर्फ 5 मिनट रेस्ट में छोड़ेंगे। और छोला थोड़ा गीला ही सही रहता है, क्योंकि बाद में जब ये अपने टेम्परेचर पे आता है तो छोला बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, इसलिए मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हमने जो मिर्ची काटी थी, दिखाया था आपको, वो हम अब इसमें मिर्ची डाल देंगे। और जो हमने अदरक लिया था वो भी हम सारा अदरक इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला के इसमें कम से कम हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे छोले को, तभी हम इसका फ्लेवर अच्छे से आएगा इसमें। हम इसी साथ में थोड़ा सा धनिया भी डाल देते हैं, फिर हम बाकी गार्निश करने में यूज़ करेंगे। डाल दिया। अब इसको हम थोड़े देर ढक के छोड़ देंगे इसी में। अच्छे से मिला दीजिए इसको, फिर उसके बाद सर्व करेंगे इसको हम। तो देखिए 10 मिनट हमारा छोला रेस्ट पे था, अभी देखिए। अब देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है। अब बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है ना छोला। ये देखिए जिसमें लच्छे आते हैं अदरक वगैरह के, इसमें भी आ रहे हैं। अब चलिए हम इसको सर्व करते हैं एक बाउल में। इसमें प्याज, अभी हमने प्याज से और ये नींबू के साथ इसको सर्व किया है। अब खाएंगे इसे छोले को। तो देखिए हमारा ये छोला बनके तैयार हो गया, और आप भी घर पे बनाइए और खाइए। अब इसे चाहे आप रोटी से खाइए, भटूरे से खाइए, या चावल से खाइए। देखिए चलिए अब खाइए इसे बना के घर पे। तो लीजिए हमारा छोले बनके तैयार हो गया। अब इसको खाइए और एंजॉय कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।